नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया धन्यवाद, कहा अमेरिका भारत से करता है प्यार। नए दौरे के बाद पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, कहा ये दिन उन गुरुओं को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को सार्थक बनाया है। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शुभकामनाएं, कहा हमारी संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हमें गुरुजनों के प्रति अगाध सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखने की देता है प्रेरणा। कोरोना के चलते सादगी पूर्वक मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव, घरों में ही हुई गुरु वंदना, चिंताहरण हनुमान मंदिर में सजाई फूल झांकी। राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अध्यक्षता, 2021 तक होंगे जयंती वर्ष के कार्यक्रम आयोजित, महात्मा गांधी के जयंती वर्ष को लेकर किया फैसला। कानपुर एनकाउंटर में मारे गए पुलिस को औरैया में मिले विकास दुबे की लास्ट लोकेशन, अब मध्य प्रदेश भागने की आशंका, तो विकास दुबे की गैंग का दयाशंकर गिरफ्तार। यूपी के औरैया बाईपास पर मिली लावारिस कार, कार से फैली सनसनी, दुबे के नाम से रजिस्टर कार्ड, पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में मथुरा का एटीएम लुटेरा शाहरुख गिरफ्तार, कार और एटीएम लूटने के उपकरण भी किए बरामद। यूपी के जौनपुर में कॉलेज प्रतिप्रबंधक की निर्मम हत्या, फोरेंसिक टीम ने जुटाए मौके से साक्ष्य, सिकरारा थाना क्षेत्र के उतराई गांव का है पूरा मामला। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले की 15वीं बरसी, अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2005 के फियादीन हमले में 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में किया था ढेर। यूपी के बिजनौर में कोटावाली नदी का बढ़ा जलस्तर, तेज पानी के बहाव में बही एक पिकअप, नदी का जलस्तर बढ़ने से बंद हुआ बिजनौर हरिद्वार मार्ग। यूपी के कानपुर हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क, नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों पर विशेष नजर, पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद पीलीभीत में भी बढ़ाई चौकसी। यूपी के मुजफ्फरनगर में रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो वायरल, मुकदमे के धारा कम करने के लिए दरोगा ने मांगी रिश्वत, हिंडन चौकी इंचार्ज जितेंद्र तेवरिया का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के भदोही में सांसद रमेश बिंद ने किया पौधारोपण, थानेपुर गांव में किया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, कहा वृक्षों से मिलता है मानव को जीवन, इसलिए वृक्षारोपण है आवश्यक। यूपी के पूर्व डीजीपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कार्टून ट्वीट कर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव ने किया पुलिसकर्मियों की शहादत का अपमान। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने छतरपुर का किया दौरा, राधास्वामी व्यास के बने सरदार पटेल कोविड सेंटर का अस्पताल और सेवाओं का लिया जायजा। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वल्लभ भाई पटेल कोविड 19 अस्पताल का दौरा किया, डीआरडीओ द्वारा निर्मित 1000 बेड अस्पताल का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, आईईडी ब्लास्ट के बाद की फायरिंग, एक जवान घायल। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित, 5,33,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 6,73,000 के पार, करीब 19,500 लोगों की हुई मौत, 4,09,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक तेज बारिश, बारिश से बेहाल महाराष्ट्र, मुंबई में सड़कें हुई लबालब, शहर की रफ्तार पर लगा ब्रेक। झालावाड़ के सारोला में पहली बारिश में प्रशासन की खुली पोल, सड़क किनारे नाली निर्माण नहीं होने के कारण दरिया बनी सड़क, धार्मिक स्थल कलाजी महाराज के श्रद्धालु हो रहे परेशान। राजस्थान में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या हुई 20,000 के करीब, तो रिकवरी अन्य राज्यों से काफी बेहतर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, रद्द हुई यूजीपीजी की परीक्षाएं, विद्यार्थी बिना परीक्षा होंगे अगली कक्षा में प्रमोट। बारा के शाहबाद में पुलिस और जिला प्रशासन ने निकाली बाइक रैली, लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों की दी जानकारी। प्रतापगढ़ में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान जारी, ऑडियो संदेश किया लोगों को जागरूक, तो वहीं नगर परिषद आयुक्त ने कचरा संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी। जयपुर के प्रतापनगर में विशाल किल कोरोना और डेंगू महाअभियान का शुभारंभ, जन जागृति कार्यक्रम के तहत पोस्टर का हुआ विमोचन, तो समाजसेवी महिलाओं को किया सम्मानित, तो वहीं मरीजों में निःशुल्क फल और मास्क का भी किया वितरण। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में फूड वैन का उद्घाटन, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने किया शुभारंभ, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी साथ रहे मौजूद। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती पर पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि।
जयपुरी अस्पताल में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने फूड वैन का किया शुभारंभ। फीडिंग हैंड संस्थान की ओर से लगाई गई फूड वैन, जरूरतमंदों को किया जाएगा निःशुल्क भोजन का वितरण। कोटा में बारिश का दौर हुआ शुरू, लेकिन स्वर्ण विहार कॉलोनी में रोड के हाल बेहाल, सड़क पर गड्ढों में पानी भरने से स्थानीय लोग परेशान। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में तेज अंधड़ का कहर, कई गांव में तूफान से पेड़ और विद्युत पोल हुए धराशाही, पोल की चपेट में आने से एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के कुम्हेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत 3D होलोग्राफिक प्रेजेंटेशन का आयोजन, रेड क्रॉस सर्कल पर सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ओर से बचाव और रोकथाम का दिया संदेश। जयपुर के बस्ती रेलवे स्टेशन के पास रास्ता बंद होने के चलते स्कूली बच्चे परेशान, राजकीय स्कूल और ब्रह्मकुमारी आश्रम का रास्ता बंद होने के चलते राहगीर हुए परेशान। रिश्वत के खेल, एसओजी के रिश्वत के खेल से जुड़ी बड़ी अपडेट, मास्कमैन ने मांगी 8 करोड़ की घूस, वैशाली नगर के तमन्ना टावर में 2 करोड़ की हुई थी डील, पीड़ित ने 30 लाख रुपए की दी थी पहली किस्त, लेकिन कार्रवाई से पहले ही हो गया भाजापोड़। रासमंड के धानिन गांव में बस अनियंत्रित होकर पुल से टकराई, हादसे में बस में सवार 20 श्रमिक हुए घायल, चालक को नींद की झपकी आने से हुआ हादसा, गंभीर 6 घायलों को उदयपुर किया रेफर। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सीएससी में नसबंदी करवाने वाली 2 महिलाओं की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का किया गठन। हनुमानगढ़ में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, अदालत के आदेश के बाद मामला दर्ज, गलत रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप। नागौर के पादुगोला थाना पुलिस की कार्रवाई, ट्रक से 288 किलो जुड़ा पोस्त बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झालावाड़ में गोवंश से भरी पिकअप पकड़ी, चालक सहित 3 लोग हुए फरार, आधा दर्जन गोवंश को कराया मुक्त। बीकानेर के लून करक्सर में मलसिंसर गांव के सामने आया हत्या का मामला, एक व्यक्ति से की गई थी मारपीट जिससे उसकी मौत हो गई, मृतक के भाई ने पूर्व सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सारस्वत और उसके चालक के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। जयपुर के सांभर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों का सुनी बात और राजीनामे के बाद किया मामला शांत। पाली में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, अखिल भारतीय खटीक समाज ने किया आयोजन, 5,000 कोरोना योद्धाओं को दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, शहीद बाबा जीवन सिंह वेलफेयर सोसायटी के होर्स और से हुआ सम्मान, सीएससी स्टाफ मीडियाकर्मियों का बढ़ाया हौसला। जयपुर के झोटवाड़ा में यूनिटी ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, शहीदों के सम्मान में हुआ आयोजन, रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। झुंझुनू में बिजली चोरी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली विभाग ने भरी भाजपा जिलाध्यक्ष की वीसीआर, मावंटिया ने लगाया अजमेर डिस्कॉम पर गंभीर आरोप, कहा राजनीतिक षड्यंत्र कारण भरी है झूठी वीसीआर। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर एन शिवप्रकाश मदान ने महात्मा गांधी अस्पताल का किया निरीक्षण, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद में किया पौधारोपण, मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। जालौर के आहौर में विधायक शगन सिंह राजपुरोहित ने किया राजकीय चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय का निरीक्षण, सरकारी योजना के तहत मिलने वाली निःशुल्क दवाओं की ली जानकारी, तो वहीं चिकित्सा व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। नागौर एसपी श्वेता धनकर ने किया कोतवाली थाने का निरीक्षण, एसपी ने बैरक और मैस की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, रिकॉर्ड की जांच के अधिकारियों को दिए निर्देश। अजमेर में पाइपलाइन के टूटने से व्यर्थ बहा पानी, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, रिश्ता टूटने से नाराज होकर उठाया कदम, ग्रामीणों ने समझाइश कर युवक को उतारा टंकी से, पसूरा गांव का है मामला। श्रीगंगानगर के 29 GB में 14वें दिन भी धरना जारी, ग्रामीणों और प्रशासन के बीच वार्ता रही विफल, आमरण अनशन पर बैठे ग्रामीण। बूंदी के रैनवा में जन समस्याओं को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, भाजपा ने जलदार विभाग कार्यालय पर किया प्रदर्शन, टंकी पर चढ़कर की नारेबाजी, समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। बारा के शाहबाद में टिड्डी दल की दस्तक, टिड्डी अटैक से ग्रामीण इलाकों में मचा हड़कंप, किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी, कई कृषि विभाग के कर्मचारियों ने किया टिड्डियों को भगाने का प्रयास। बूंदी में आयुर्वेदिक औषधि बैंक और पंचक्रम ओटी का शुभारंभ, पूर्व राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा ने किया शुभारंभ, असाध्य लोगों का किया जाता है इलाज। प्रतापगढ़ कोर्ट में कोरोना की दस्तक, ACJM की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, से पहले जेल में हो चुका है कोरोना का विस्फोट। टोंक के देवली में कोरोना का कहर, महिला चिकित्सक समेत 3 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि, चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप, एहतियात के तौर पर बंद किए गए देवली के बाजार। बारा के छिपा बड़ौत में कोरोना का प्रकोप जारी, 4 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आने से मचा हड़कंप, कस्बे में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या हुई है 6। पाली के सुमेरपुर में कोरोना का कहर, 2 दिन में 10 कोरोना के पॉजिटिव आए सामने, 160 पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। झुंझुनू के गाड़िया भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन, युवा अग्रवाल संगठन की ओर से हुआ आयोजन, 123 युवाओं ने किया रक्तदान।
डूंगरपुर में शराबी पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। आए दिन पत्नी से मारपीट करता था शराबी पति। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ढबोला के धुवेड़ गांव का है मामला। अजमेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। वेदाश्रम में चरण पादुका रखकर पूजा अर्चना की। मंदिरों में भी हुआ विशेष पूजा का आयोजन। जालौर के रानीवाड़ा में भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। महंत चंपेनाथ महाराज पर श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। जोधपुर के ओसिया में भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। घाटीनाथ आश्रम में लोगों ने की गुरु वंदना। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा विशेष ख्याल। भीलवाड़ा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए की गुरु वंदना। पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज के प्रवचन का भी हुआ लाइव प्रसारण। नागौर के बेटा में गुरु पूर्णिमा पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। बड़ी सादगी से आयोजित हुए कार्यक्रम। लोगों ने की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। राजसमंद में भी मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। हनुमान मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने की गुरु वंदना। भक्तिमय माहौल के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। चूरू के तारानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया विधायक नरेंद्र बुरानिया का जन्मदिन। समर्थकों ने कई सामाजिक कार्यक्रमों का किया आयोजन। तो वही कोरोना योद्धाओं को भी किया सम्मानित। जयपुर के जालपुरा थाना प्रभारी ने कांस्टेबल का मनाया जन्मदिन। केक काटकर जन्मदिन किया सेलिब्रेट। कोरोना काल में परिवार से दूर रहकर ड्यूटी दे रहा कांस्टेबल हंसराज। अजमेर के मसूदा में विजयनगर पालिका के चारों नवनिर्मनों ने पार्षदों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उपखंड कार्यालय परिसर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। एसडीएम मोहनलाल समेत कई लोग रहे मौजूद। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।